हे गाइस, क्या हालचाल आई उपसार से अच्छे हो। तो हम अगेन आ गए बेहतरीन गेम प्ले वीडियो लेकर। इसमें तबाही मतलब दबाह होने वाली है यार। और आज वाले गेम प्ले में हम तुमको दिखाने वाले ऐसे अखंड कैंपर जो कि ऐसे ऐसी जगह बैठे रहेंगे ना, तुमको देखकर लगेगा ही नहीं कि यहाँ बंदे हो भी सकते हैं। तो फिर ऐसे अखंड कैंपर को देखने के लिए वीडियो को विदाउट स्किप किए इसके पूरा गेम प्ले देखना है। स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे, मिस कर दोगे तो मजे नहीं आएंगे। तो फिर ऑर्डर करते हैं पार्ट प्लाजा, जहाँ पास एक से दो स्क्वाड आते हैं। तो फटाक से गन उठाते हैं और बंदे बजाते हैं। और फिर हमारे ऋतिक भैया गन तो उठा लेते हैं लेकिन चला नहीं पाते हैं हमारे ऊपर। तो फिर इनको फटाक से बजा लेते हैं, पूरा खा लेते हैं। और फिर इनके बाकी मित्र आगे वाली बिल्डिंग में हैं, तो फिर फटाक से लूटते हैं और उनके पास चलते हैं। और भाई साहब क्या ही कैंपिंग कर रखे हैं, मतलब धाए धाए लिए हैं, ऊपर से कैंपिंग भी करनी है। और ये दोनों का संगम ना कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। तो तुम हमारी एसपी देख ही रहे हो। तो फटाक से हीलिंग लगाते हैं और भाई साहब के रिवाइव देने के पहले पहुंच के बजाते हैं। तो फिर आगे देखो, हाँ तो फिर ऑल माइक चालू और फिर हटाओ, पहले इनको पूरा खा लूं फिर पकाती चालू करता हूं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि भाई साहब फर्स्ट एड लगा के आने के बावजूद भाई साहब ने दोबारा एचपी कम कर दी, मतलब धाए धाए से कोई बच ही नहीं सकता है। तो फटाक से इन दोनों को खा लिया है, इनके डिब्बे सामान उठा लिया है। तो अब आराम से पट्टियां लगा रहे होते हैं, जो कि हमको लग रहा था कि अब यहाँ पास कोई नहीं है, एक स्क्वाड आई थी जिनको बजा दिया है, ऐसी कल्पना कर रहे थे। लेकिन फिर आगे देखो, मतलब भाई साहब के मुंह से खिल छीन लिया। उनको लगा होगा बढ़िया केडी मेंटेन करेंगे, सज्जन पुरुष को बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। केडी हम मेंटेन करेंगे और आराम से बैठकर विश्राम करेंगे जब तक ये दर्शन दे नहीं देते। और फिर भाई साहब दर्शन देते हैं, हम दबा के डैमेज देते हैं, लेकिन उसके बाद तुमने गोली की आवाज सुनी नहीं, मेरी वाली नहीं उनकी वाली, कार 98। और हमारा हेलमेट देख रहे हो, इसका सिर्फ प्राइस बड़ा है, हेल्थ नहीं, तो एक फटके में ही काम हो जाना है। तो चुपचाप फॉल बैक कर लेते हैं, फालतू गुंडाई नहीं करते, क्योंकि गुंडाई के चक्कर में बचेंगे नहीं, और बचेंगे नहीं तो गेम प्ले नहीं बचेगा। तो फिर चलते हैं फॉल बैक करके, पहले हेलमेट ढूंढते हैं। और उसके बाद बंदे शांति से जाने भी नहीं दे रहे हैं यार, पीछे से खतरनाक डैमेज दिए पड़े हैं। तो फिर इसके उठाते हैं और चलते हैं पहले हेलमेट ढूंढने के लिए। और हेलमेट मिलने के बाद फटाक चलते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधे बंदों पर रश करते हैं। लेकिन तभी भाई साहब उनको सामने दिख जाते हैं। और फिर बेहतरीन स्प्रे भी करते हैं। तो जब इतना बढ़िया स्प्रे किया है तो रुकना पड़ेगा ही, हमें भी अपना स्प्रे दिखाना पड़ेगा ना यार, पट्टा पुट्टी जो करनी है। तो फिर चलते हैं। और फिर भाई साहब के हेड हेड देते हैं, तो अभी दर्शन देने वाले हैं नहीं, लेकिन इनके मित्र आ रहे हैं धाए धाए लेकर। तो फिर आगे देखो, और फिर भाई साहब का क्या ही बढ़िया एम चोक होता है। और जैसे इनके मित्र को बजाते हैं, ये भाई साहब खड़े हो जाते हैं कि हाथ कैसे लगा दिया। तो फिर हमने इनको ही बता दिया कि कैसे हाथ लगाया। तो जब दोनों को बजा दिया तो फटाक से जाते हैं, फिनिश करते हैं। और फिर यहाँ पास ये दो ही होते हैं, इनके बाकी के तो फिर से लापता होते हैं, नहीं मतलब सब वो किस्तों में ही आना है। तो हटाओ ये सब, हमने गाड़ी उठा ली तो फैमिली में आने वाले सब फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब पर माता रहो, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और फिर आते हैं यहाँ, जहाँ एक भाई साहब को पूरा खा लिया गया है और दूसरे भाई साहब रोटेट मार के आ रहे हैं। तो हम भी आराम से वेट करते हैं वो कब तक आते हैं। और फिर दूसरे भाई साहब भी आते हैं जो खतरनाक डैमेज देते हैं यार, मतलब मस्त फाइट लिए। तो फटाक से अपन पहले मेडिकेट लगाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब इनके तीसरे भाई साहब टपक जाए। और फिर मेडकिट लगाने के बाद भाई साहब को फिनिश कर देते हैं और आराम से लूट कंप्लीट करते हैं। लेकिन इनके तीसरे भाई साहब अभी भी नहीं आते, तो हमको लगता है कि जोन में चले गए होंगे, क्योंकि जोन पीछे से आ रहा था यार। तो हम भी आराम से लूट कंप्लीट करते हैं और जोन में निकल लेते हैं।
और फिर भाई साहब ने क्या ही नागिन मार के स्प्रे दिया, गजब के कैंप पर यार। तो अब आने दो उनको बजाते हैं, यही सोचे थे। लेकिन उसके बाद बस आराम से बैठकर इसको देख रहे हैं, मतलब कोई यहाँ भी बैठ सकता है यार। अब से यहाँ भी अलर्ट रहना पड़ेगा यार कि पता नहीं कब कौन बैठा हो। तो हटाओ, अगले गेम प्ले में चलते हैं, क्योंकि बंदे अजीब अजीब जगह कैंपिंग करते हैं यार। तो अगले गेम प्ले में हॉट ड्रॉप करते हैं स्टेडियम, जहाँ पास कोई भी नहीं आता। लेकिन सामने गाड़ी आती है जो आराम से जा रही होती है, तो आराम से उस गाड़ी को देखते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, शॉट गन है। लेकिन तभी अपार्टमेंट से फायरिंग की आवाज आती है, तो फटाक से इसकी उठाते हैं और सीधे पहुंचते हैं अपार्टमेंट। और यहाँ होते हैं बंदे, फायरिंग की आवाज सुनो। हाँ तो फायरिंग की आवाज सुन ली होगी। अच्छा नहीं सुनी क्या? आएगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग इतना बकबक जो कर रहे हैं। तो हटाओ, इनको इग्नोर करते हैं, सामने बंदे हैं हमको पता है ना। तो फिर सीधे चलते हैं। मेरी गलती नहीं है, मैंने कि मेरे को केपीएस ने पढ़ा कि मैं कवर दे दूंगा, मतलब इतना अच्छा तेज बताया। अब अगर लायन मर गया तो। और फिर भाई साहब को नॉक करके पूरा खा लेते हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि गॉड क्या कह रहा है। नहीं मतलब बचाने नहीं आना, लेकिन काली जुबान कुछ गलत ही बोलना है। तो हटाओ, इनके दूसरे भाई साहब आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मरे ना, नहीं तो गॉड की बात सच हो ही जाना है। अरे आलू मतलब मेरे यहां पता दो कुत्ता। अबे तो और फिर इनके दूसरे भाई साहब आते हैं, तो फटाक से इनको भी बजा देते हैं। उसके बाद इनके तीसरे और चौथे नहीं आते, तो आराम से रूट कंप्लीट कर रहे होते हैं कि तभी हमको दूर सज्जन पुरुष दिखाई देते हैं, जिनको दबा के डैमेज दिया था लेकिन किल चोरी हो गया। लेकिन तभी पीछे भी एक आ जाते हैं, तो फटाक से इनको बजाते हैं, केडी मेंटेन करते हैं और फिर पदयात्रा करते करते पहुंचते हैं विलेज, क्योंकि बीच में गाड़ी ही नहीं मिलती। और फिर आराम से क्रिस भैया का बढ़िया गाना सुनते हुए चले जा रहे थे कि तभी सामने बंदा तुमको भी दिख गया होगा। तो जब बंदा भी दिख गया है, गन भी है, तो फिर चलते हैं बजाने के लिए। इनको लॉबी में भेजो, कोई सारे वर्ड बाय दे रहे हैं यार, मैं क्या करूं। और फिर भाई साहब का जैसा नाम वैसा काम बिल्कुल नहीं था, नाम इतना खतरनाक लेकिन एक गोली भी नहीं चलाई। तो फटाक से इनका डिब्बा उठते हैं और तभी बग्घी की आवाज आती है, तो और सामने एक बग्घी दिख भी जाती है जो कि आराम से जा रही है और अब रुक गई है। और फिर उससे बंदा उतरता है, आराम से उतरने के बाद फुलझड़ी वाली गन चलाता है और फिर आराम से आगे बढ़ जाता है। नहीं मतलब लाइफ में अपने को इतना ही चिल चाहिए, कूल डाउन, एकदम बिल्कुल कूल डाउन, कुछ टेंशन ही नहीं है। तो फिर भाई साहब को थोड़ा बहुत डैमेज दिया है, तो फिर चलते हैं फिनिश करने के लिए। और अब समझ में आया भाई साहब के चिल का रीजन, एस्ट्रोल के थी हाथ में ना, तो चिल तो रहेंगे ही, टेंशन ही किस बात की है। तो हटाओ फटाक से इनको किल करते हैं और फिर बग्घी उठा के आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे ही बंदे होते हैं। मैं जा रहा हूं, तुम लोग मार देना। और फिर हमारे राहुल भैया हमारे केपे से गुल करने वाले थे, तो फटाक से इनको बजा देते हैं और केपे से गुल होने से पहले रिवाइव देते हैं। और रिवाइव देने के बाद एक भाई साहब जो भाग गए थे, तुमने भी देखा होगा, तो फटाक चलते उनका पीछा करते हैं। और फिर इतना तेज भागने का कोई फायदा ही नहीं होता है, किल चोरी हो जाता है। तो फिर फटाक से बग्घी उठाते हैं और तुमको याद होगा पिछले वाले भाई साहब ने फुलझड़ी वाली गन चलाई थी, तो फिर चलते हैं क्योंकि डिब्बा अभी तक आ गया होगा। दो में तो मुश्किल से 10 बॉट मिलते हैं। अरे रियल बंदे को मार दिया बॉट, बॉट साला ऑफलाइन होगा नहीं। और फिर यहाँ पास होते हैं ये भाई साहब, तो फटाक से इनको बजा देते हैं और फिर चलते हैं अपनी फुलझड़ी वाली गन पे। और उसमें आती है AWM और ग्रोजा, तो दोनों उठा लेते हैं, किसी को कुछ नहीं देंगे, सारा सामान खुद ही उठाएंगे और फिर गाड़ी उठा के आगे बढ़ लेंगे। एक ही बात बोलो। और फिर ये बंदा कैसे नॉक हुआ नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता, कहीं भी नागिन लेटी रहती है यार। और फिर इनके दूसरे भाई साहब वो तो खुद ही गाड़ी के सामने चले जाते हैं केपीएस की, तो फटाक से जाते हैं क्रिस भैया को रिवाइव देते हैं और बग्घी उठा के आगे निकल लेते हैं। और आगे निकलते निकलते पहुंचते हैं ड्रॉप पे, जहां पास तुमको बंदे दिख गए होंगे, तो हमने सोचा कि आराम से जाते हैं स्नाइपिंग करेंगे, इसलिए दूर गाड़ी रोक लेते हैं। चलो।
लेकिन तभी ये भाई साहब खतरनाक डीपी का स्प्रे देते हैं यार, पूरी डीपी खाली कर देते हैं। तो पहले आराम से फर्स्ट एड लगाते हैं और फिर जाते हैं भाई साहब को बचाने के लिए। और फिर यहाँ पास दो भाई साहब को नॉक कर दिया था, एक को फिनिश कर दिया था, तो फिर फटाक चलते हैं और दूसरे भाई साहब को फिनिश करते हैं, क्योंकि भाई साहब अपने को किल सेफ चाहिए। खतरनाक दंगे हो रहे हैं यार, कौन सा किल कब चोरी हो जाए पता नहीं। और फिर जब तक वे पास जाते हैं, हमारे क्रिस भाई ने नेट फेंक के सबको बजा दिया है, तो फिर तुमको याद होगा पीछे से ही फायरिंग की आवाज आ रही थी और बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हम भी चढ़ जाते हैं। और फिर कमाल की एंट्री, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, भैया जी एंट्री देखकर पहले ही निकल लेते हैं। उनको लगा हैकर आ गया है, तो वो सीधे कूदे और गायब हो लिए। और हम सोच रहे थे कि ऊपर ही बैठे होंगे, तो थोड़ी देर तक वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आते हैं, तो फिर हम भी कूद के आगे निकल लेते हैं। और फिर केपीएस कहता है कि बंदा सामने है, तो फिर चलते हैं AWM चलाते हैं, मतलब ट्राई करते हैं चलाने का। और फिर आ गए घुटनों में, तो केपीएस भैया बजा दो इनको, हमको चिकन चाहिए। हटाओ क्रिस भैया नहीं बजा दिया है, तो मिल गया चिकन डिनर। तो वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब पर मारो, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा हार्ड यार। और हाँ, सेकंड चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बैकअप ऑलवेज। तो मिलते हैं वीडियो में, टेक केयर, बाय।